दिल में हौसला हो तो मंजिल मिल ही जाती है, दिल में हौसला हो तो मंजिल मिल ही जाती है, करते रहेंगे चैनल एक्सपेरिमेंट जब तक चैनल रैंक नहीं हो जाती है। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ एक और एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में हम और कुछ नया ट्राई करेंगे और कुछ नया सीखेंगे। हर बार की तरह हम दो चैनल्स क्रिएट करेंगे, लेकिन हम पहले वाले चैनल पर हम इस टाइम ज्यादा वॉच टाइम देंगे और दूसरे वाले चैनल पर हम जीरो वॉच टाइम देंगे, और फिर हम देखेंगे क्या वॉच टाइम देने से चैनल की रैंकिंग बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस जबरदस्त एक्सपेरिमेंट को और समझते हैं हाउ टू रैंक यूट्यूब चैनल्स इस छोटे से इंट्रो के बाद। तो जैसे कि आपको पता है, हमने दो चैनल्स को क्रिएट कर रखा है। दोनों ही चैनल्स का नाम गजीबो विद सागर जैन है, आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके चैनल का लोगो को मैंने 1 नंबर दिया हुआ है, इस चैनल के लोगो को मैंने 2 नंबर दिया हुआ है। इस चैनल पर हमने एक ही वीडियो अपलोड किया है और सेकेंड चैनल पर हमने 3 वीडियोस अपलोड किए थे। और पिछले एक्सपेरिमेंट में हमने ये चेक किया था कि नंबर ऑफ वीडियोस ज्यादा होने से चैनल रैंक करता है या नहीं करता है। तो हमारा रिजल्ट ये था कि चैनल 1 रैंक कर गया था, क्योंकि वो चैनल सबसे पहले बनाया हुआ था और फिर हमने चैनल 2 बनाया था। तो नंबर ऑफ वीडियोस से चैनल की रैंकिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड हमने टेस्ट किया था कि कीवर्ड्स में हमने चैनल का नाम डाला था, तो उसमें भी हमें पता चला था कि उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता चैनल की रैंकिंग में। अब थर्ड एक्सपेरिमेंट जो हम आज करने वाले हैं, उसमें हम ये करेंगे कि चैनल 2 पर वीडियोस को हम वॉच टाइम देंगे और व्यूज देंगे, और क्या उस वजह से चैनल की रैंकिंग बढ़ती है या नहीं, हम वो टेस्ट करेंगे। तो आप यहां पर देख सकते हो मैंने 2 व्यूज दिए हैं, यहां पर अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन हमने इस चैनल पर 2 वीडियोस को व्यू किया है और यहां पर हमने 0 व्यूज दिए हैं। आप यहां पर देख सकते हो 0 वॉच टाइम है। तो अब हम सर्च कर लेते हैं गजीबो विद सागर जैन और देखते हैं कौन सा चैनल रैंक कर जाता है, क्या वॉच टाइम की वजह से चैनल की रैंकिंग में फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये हम देख लेते हैं। तो यहां पर मैंने तीसरा चैनल खोल रखा है। अब मैं यहां पर सर्च कर लेता हूं गजीबो विद सागर जैन और देखते हैं कौन सी चैनल रैंक कर जाती है। तो आप यहां पर देख सकते हो अब भी चैनल 1 रैंक कर रहा है और चैनल 2 नीचे आया हुआ है, यानी कि वॉच टाइम से भी चैनल की रैंकिंग नहीं बढ़ती है। हमने कई सारे यूट्यूबर्स को ये कहते हुए सुना है कि अगर अच्छे खासे वीडियोस बन चुके होंगे, अच्छा खासा वॉच टाइम होगा, तो उस वजह से चैनल रैंक कर जाएगा। तो वो सब कुछ सही नहीं है, हमने आज खुद एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। मैंने चैनल 2 पर वॉच टाइम दिया हुआ था, फिर भी वो चैनल रैंक नहीं कर रहा है। तो अब आप सोच रहे हो कि चैनल 1 ही क्यों रैंक कर रहा है, क्योंकि चैनल 1 को हमने पहले क्रिएट किया था इस वजह से चैनल 1 रैंक कर रहा है, और चैनल 2 को हमने बाद में क्रिएट किया था इस वजह से चैनल 2 नीचे आया हुआ है। तो हम अगले एक्सपेरिमेंट में सब्सक्राइबर्स को लेकर ट्राई करेंगे। हम चैनल 2 पर कई सारे सब्सक्राइबर्स लाएंगे और चैनल 1 पर 0 सब्सक्राइबर्स ही रखेंगे, और फिर हम सर्च करेंगे गजीबो विद सागर जैन और देखेंगे कौन सा चैनल रैंक कर जाता है, क्या नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स आने से चैनल की रैंकिंग में फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। उस चीज को हम अगले एक्सपेरिमेंट में अगली वीडियो में टेस्ट करेंगे। वीडियो को लाइक करने से वीडियो की रैंकिंग बढ़ती है, तो दोस्तों क्या सोच रहे हो, वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैंने इन सारी वीडियोस को एक प्लेलिस्ट में कलेक्ट कर लिया है, उन प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां जाकर कई सारे और एक्सपेरिमेंट सीख सकते हो और अपने चैनल को रैंक कर सकते हो। अगर आपको हमसे कोई एक्सपेरिमेंट करवाना है तो प्लीज हमें कमेंट करके पूछिए, हम उनको लेकर भी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन हार मत मानिएगा, एक दिन जरूर हमारी चैनल रैंक होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।